नमस्कार, दिनभर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पद्मावती फिल्म को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। छतरपुर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब सोशल मीडिया पर भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं ने कुछ टिप्पणी कर दी। इसके अलावा एक युवक की मौत हुई है, संदिग्ध मौत है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। पद्मावती फिल्म पर सोशल मीडिया में कटाक्ष करने पर भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। महाराजपुर थाना अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। किसी महिला का फोन आने पर उसे लेने गया था 34 वर्षीय वीरेंद्र रजक। मानसिक विक्षिप्तों के सेवक संजय शर्मा ने नासिर कुरैशी को मानसिक आरोग्य शाला भेजने के लिए की व्यवस्थाएं। और गमी में जाते समय एक ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, दादा और नाती हुए घायल। हेडलाइंस की बात करते हैं, खबरों का विस्तार। पद्मावती फिल्म को लेकर पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। फिल्म पर कहीं बैन लगाने की बात कही जा रही है, तो कहीं थिएटर को जलाए जाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। इस बीच छतरपुर में भी कुछ ऐसा ही बवाल मच गया। दरअसल कांग्रेस और भाजपा के पदाधिकारियों द्वारा फेसबुक पर एक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर सोशल मीडिया में ही इतना शोर शराबा हुआ कि भाजपा और कांग्रेस के जिलाध्यक्षों ने इन दोनों अल्पसंख्यक पदाधिकारियों से उनके इस्तीफे मांग लिए। बात यहीं तक नहीं थमी, इसके बाद सोमवार को 12 बजे मोटे के महावीर मंदिर में सामाजिक संगठन, हिंदूवादी संगठन एकत्रित हुए। कुछ नेता भी इस मौके पर शामिल थे और उसके बाद इन सभी लोगों ने एक साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक से इन पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। बाद में सारे लोग सिटी कोतवाली पहुंचे और यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई। दरअसल अल्पसंख्यक कांग्रेस के नेता नाजिम चौधरी ने एक कमेंट फेसबुक पर लिखा था, जिसका समर्थन भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष रफत खान ने भी कर दिया। इस बात को लेकर लोगों में काफी आक्रोश पनपा। सिटी कोतवाली पुलिस ने 153 ए और 505 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नाजिम चौधरी ने जो अश्लील टिप्पणी की है हिंदू समाज के बारे में, छतरी समाज के बारे में, इससे पूरे समाज को, पूरे हिंदू समाज को बहुत आहत हुआ, बहुत दुख पहुँचा है। बार बार ये अभद्र टिप्पणियाँ करता है, जैसे शहर का माहौल ख़राब होता है और हिंदू सभी संगठनों, हिंदू भाइयों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हम लोग आज एसपी साहब के यहाँ ज्ञापन दिया कि इसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और इसके ऊपर देशद्रोह का केस लगे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, तुरंत इसको गिरफ्तार किया जाए। नेता है नाजिम चौधरी, जिसके द्वारा लगातार फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती है। हिंदू का कोई भी त्यौहार हो, कोई भी आयोजन हो, ये व्यक्ति हमेशा उल्टी सीधी टिप्पणियाँ करता है और इस बार उसने पूरे हिंदू समाज के लिए एक बहुत गलत टिप्पणी करी है, एक बहुत भद्दी टिप्पणी करी है, जो इसकी मानसिकता को दर्शाता है। ये व्यक्ति ना तो समाज में रहने लायक है, ना छतरपुर में रहने लायक है। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इसके खिलाफ कड़ी एफआईआर करा के इसको जेल भेजा जाए, नहीं तो ये पूरे जिले का धार्मिक सौहार्द, जो गंगा जमनी संस्कृति है छतरपुर जिसके लिए प्रसिद्ध है, वो खराब करके और दंगे भड़काने का काम करेगा। इसलिए इसको जूते मार के बंद करा जाए। कल की जब ये घटना है, कल मैं दिल्ली में था तो मेरे साथ में कई पत्रकार बंधु ने मेरे से इसकी जानकारी जारी वर्जन लेना चाहा। मैंने उनसे कहा था कि मैं यही छतरपुर आऊँगा, मैं पूरी तरीके से इसकी जाँच पड़ताल करके कोई बात करूँगा।
जैसे ही मैं छतरपुर आया, मैंने इनके प्रदेश अध्यक्ष मुजीब कुरैशी जी से बात करी और उनसे मैंने कहा कि आप सम्मानपूर्वक अपना इस्तीफा दे दें। और उसमें दो बातें थी, अल्पसंख्यक मोर्चे के भाजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के भी अध्यक्ष हैं, इसमें कोई पार्टी वाली बात नहीं है, लेकिन किसी की भी भावनाएँ आहत हों ये सबसे बड़ा दुख का कारण होगा। तो हम लोगों ने ये कहा कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, दोनों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसमें इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी जाति धर्म का आदर करती है, निरादर करना हमारी पार्टी ने ना सीखा है ना सीखेंगे, और हम लोग जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जो पद्मावती फिल्म को लेकर के जो बात चल रही है, इस सिलसिले में कुछ ऐसे कमेंट्स हुए थे जिस कारण से धार्मिक भावनाओं आहत हो लोगों की, इस तरह की बात आई थी, इसको लेकर के ज्ञापन दिया गया है और उस सिलसिले में लोग थाना कोतवाली में आए थे, उन्होंने रिपोर्ट दिखाई है, उस पर से सामाजिक विद्वेष धार्मिक भावनाओं का आपको आहत पहुँचाना, इस तरह का एक मुकदमा थाना कोतवाली में कायम किया गया। महाराजपुर थाना के अंतर्गत आने वाले ग्राम मनकारी में एक युवक की संदिग्ध मौत हुई है, उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय छतरपुर लाया गया, लेकिन चार घंटे तक डॉक्टर उपलब्ध न होने की वजह से गुस्साए परिजनों ने छत्रसाल चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, बाद में किसी तरह स्थिति संभाली गई। मृतक 34 वर्षीय वीरेंद्र रजक के परिजन ने बताया कि वीरेंद्र ढाबा पर खाना खा रहा था, तभी उसके मोबाइल पर पूजा प्रजापति नाम की एक लड़की का फोन आया कि वो उसे डिगपुरा तिराहे से ले जाए। इसके बाद वीरेंद्र रजक का पता नहीं चला, सुबह जब परिजनों ने देखा तो वहां उसकी लाश पड़ी थी। हमारे ग्राम का एक वीरेंद्र रजक नाम का लड़का है, उसका मर्डर हो गया रात में, तो 2 बजे से वहां से जांच होकर निकल आई, पुलिस ने निकाल दिया था पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन यहां का डॉक्टर नहीं आया, अभी पोस्टमार्टम नहीं करवा पा रहे। कितनी देर हो गई? 2 घंटे कम से कम। महाराजपुर का डॉक्टर जो है उसका नाम क्या है, संजय गुंडा, तो अभी क्या किया आप लोगों ने? अभी हम लोगों ने कई बार उसको फोन लगाया, फोन रिसीव भी कर रहा है, तब तक वो नहीं आएगा तब तक यहाँ पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, चक्का जाम कर दिया। ढाबा पे खा रहे थे खाना, पूजा नाम की लड़की का फोन आया, मुझे वो बोले कि हमको लुभा जाओ यहाँ से, ये लुभाने के लिए गए, ढाबा वाले ने 10 मिनट बाद फोन लगाया तो इनको फोन किसी ने उठाया नहीं, फिर लगाया थोड़ी देर बाद में फिर बंद हो गया। क्या हो गया फिर इनके पास? वैसे इनको किसी ने गोली वोली मार दी, जो कुछ उनके घाव है सर में, तो वैसे इनकी वो मौत हुई। नौगांव के एक और मानसिक विक्षिप्त को मानसिक विक्षिप्तों के सेवक संजय शर्मा का सहारा मिला और अब उसे मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि नासिर कुरैशी नाम का ये विक्षिप्त पिछले 10 साल से उलझुल हरकतें करता था और लोग इससे काफी परेशान थे। नासिर के भाई को जब संजय शर्मा की जानकारी मिली तो वे संजय शर्मा से मिले और उन्होंने विनय की कि नासिर कुरैशी का इलाज कराया जाए। संजय शर्मा ने सारे मेडिकल चेकअप कराकर उसके कागजात बनवा कर अब उसे मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर भेजने का इंतजाम कर दिया है। जी, नौगांव निवासी नासिर कुरैशी है, जो कि 8-10 वर्षों से मानसिक विक्षिप्त था, हिंसक है, उग्र रूप धारण किए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अभी, और गरीब है, असहाय है, इसको मैं मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करा रहा हूँ, तदुपरांत नौगांव न्यायालय में पेश कर मानसिक आरोग्य शाला ग्वालियर पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। लवकुश नगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम मढ़ा के पास एक ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस बाइक में दादा और नाती सवार थे, दोनों लोग घायल हुए हैं, इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय लाया गया। मुझे ग्राम पीरा से छपरा गाँव जा रहे थे, ये परता मुड़ी के पास रोड पर, और ये एक्सीडेंट 7:30 बजे के लगभग मढ़ा रोड पर हो गया। किसने टक्कर मार दी? ट्रक ने टक्कर मार दी। कितने लोग घायल हो गए? 2 लोग घायल हो गए, फिर वहाँ पे 1 घंटे पड़े रहे। 1 घंटे पड़ने के बाद वहीं के पास के मड़ा गांव के लोगों ने आए, वहाँ पे देखा और फिर उन्होंने फ़ोन लगाया 108 नंबर को, फिर वो 108 नंबर एम्बुलेंस आई, फिर वो लौड़ी लवकुश नगर ले, वहाँ से मिश्रा जी डॉक्टर सर हैं, उन्होंने वहाँ से रेफर कर दिया। गैरवार के मोहनलाल कुशवाहा सहित लगभग 20 से 30 लोगों ने, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि उसे फोन पर जान से मारने की धमकियां दी गईं, साथ ही साथ अश्लील गालियां भी दी गईं।
मोहन का कहना था कि परमानंदी पटेल और सूरज पटेल द्वारा जमीनी मामले को लेकर जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही साथ अश्लील गालियां भी फोन पर दी गई। हमारी समस्या ये है कि हमारी माता राम ने केस लगाया था जमीन का, परमानंदी पटेल से संपर्क की थी वकील के लिए, तो उन्होंने केस जीतने के बाद में कुछ कागजों पे दो नंबर में लिखा पड़ी भी कर रखी है, उसके लिए हमारी माँ को भी धमकी दे रहा है, हम लोगों को भी धमकी दी जा रही है कि जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किस चीज़ की धमकी दी जा रही है, क्या बात को लेकर? जमीन हमारे नाम की जाए, ये जमीन हमको दी दे दो, नहीं तो अगर तुम हमको नहीं दोगे जमीन तो हम तुमको जान से मार देंगे। कौन दे रहा है धमकी? सूरज पटेल, परमानंदी पटेल और उनके साथी दिनेश नायक, बबलू पटेल, ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। गाड़ी चार पहिया गाड़ी में बांध कर घसीटने की भी धमकी दे रहे हैं और उसके साथ में ये भी कहते हैं कि यदि ये जमीन नहीं दोगे तो हम जीवन भर तुमको इतना केस लगाएंगे कि गांजा का केस चलवाएंगे आपके साथ में, एक दो किलो गांजा कहीं से ले आ करके आपकी ज़मीन पर रखा जाएगा घर पर, दो चार पेटी दारू की भी रखी जाएंगी, दारू का भी केस लगाएंगे। ऐसे एसपी साहब के यहाँ आए हैं आवेदन देने के लिए, एसपी साहब से, श्री एसपी साहब जी से निवेदन है हमारा कि हमको न्याय चाहिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पद्मावती फिल्म पर सोशल मीडिया में कटाक्ष करने पर भाजपा और कांग्रेस के दो नेताओं के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। महाराजपुर थाना अंतर्गत एक युवक की गोली मारकर की गई हत्या। किसी महिला का फोन आने पर उसे लेने गया था 34 वर्षीय वीरेंद्र रजक। मानसिक विक्षिप्तों के सेवक संजय शर्मा ने नासिर कुरैशी को मानसिक आरोग्यशाला भेजने के लिए की व्यवस्थाएं। और गमी में जाते समय एक ट्रक ने मारी बाइक में टक्कर, दादा और नाती हुए घायल।